और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो असर पिक करते हैं और फिर एक्चुअल चेंज आता है. बिल्कुल. तो एंड समर हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन दैट. तो भाई ईद के हवाले से इस साल क्या ट्रेंड्स, क्या कलर्स चल रहे हैं, क्या कॉम्बिनेशंस हैं, और रमज़ान में ड्रेसिंग के हवाले से क्या है, ज़रा थोड़ा सा बताएं कुछ. फारूक, रमज़ान में तो थोड़ा सा लोग लिहाज कर रहे होते हैं और बड़ा हिसाब किताब के साथ वो चीज़ें पहन रहे होते हैं, सादगी के साथ कि नमाज़ पढ़ना है, रोज़ा रखना है, तरावी पढ़नी है, उस हिसाब से ड्रेसिंग होनी चाहिए. लेकिन ईद एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि जिसमें हमें सब कुछ पता लगता है कि इसके अंदर क्या था. ठीक. और इसके अंदर एक राजा जी छुपे हुए थे, कोई अपने मलक साहब की वो नेचर लेके कपड़े बनवाने के लिए आते हैं, और कोई चौधरी की जैसे कह रहे कि जी ठाट होने चाहिए. खुशी का त्यौहार है, तो खुशी भी मनाते हैं. वो अपने कुछ अपने ओल्ड जो आपकी सॉरी जो रवायात होती है उस हिसाब से जो चल रहे होते हैं उससे क्या ड्रेसिस को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास कलर्स आते हैं बनाने के लिए. तो जो ट्रेंड है वो तो डेफिनेटली सीजन भी यही है कि कुर्ते शलवार का. ठीक. और उसमें आपके डिफरेंट कट्स हैं, एम्ब्रॉयडरी है, कलर्स हैं. पजामास या कुर्ता शलवार दोनों चीज़ें दोनों चल रहे हैं. ठीक. क्योंकि जो ये बॉडीज पर डिपेंड करता है. और कलर्स कौन से, पेस्टल क्या आजकल कौन से? ऑब्वियसली जब आप वाइट शलवार पहनेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा कलर जो है वो ब्राइट होना चाहिए ताकि आपका कुर्ता इन्हेंस हो. और अगर आप सेम सूट पहनते हैं तो फिर आपको बेज, स्काई ब्लू, फॉन, वाइट, ऑफ वाइट, इस किस्म के सारे शेड्स बनाते हैं. सही. हालांकि अब तो ब्लैक जो है वो सारा साल ही इन रहने लग गया. सही. तो समर और विंटर का कोई कंसेप्ट नहीं है ब्लैक में. आपका ईद के ऊपर भी बहुत अच्छा ब्लैक सेल होता है. सही सही. और जी तो भाई ने कुछ